So let's start with the specific heat capacity. Specific heat capacity आपने पहले भी कहीं सुना सुना लगना होगा आपको. So आपको इतना तो पता है ना कि the when the temperature of gas is increased, even a small rise causes considerable amount of the change in volume and pressure. टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो चेंज वॉल्यूम और प्रेशर में काफ़ी डिफरेंसेस आएगा. ठीक है. सो देर आर टू स्पेसिफिक हीट आर डिफाइंड फॉर गैस. स्पेसिफिकली वी कैन से स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर. मैंने इसको बहुत ही अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स में डिस्क्राइब किया था. ठीक है. चलो सो इससे हम मेयर्स रिलेशन निकालेंगे. ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वन मोल ऑफ आइडल गैस लिया हुआ है एनक्लोज इन द सिलेंडर. सिलेंडर में पूरा इंक्लोज है, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पीवीटी है हमारा रिस्पेक्टिवली. इफ द गैस इज हीटेड सो दैट द टेम्परेचर राइज बाय डीटी, डेल्टा टी भी लिख सकते हो, बट द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट. समझ लो हमने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा है. तो एक सिलेंडर का ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और प्रेशर अब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है. तो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई हो रहा है आपका, मतलब वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस इज लेट्स से इट इज डी क्यू वन. नाउ अब वो जो हीट सप्लाई होगा वो कैसे अपने आप को अंदर जो पिस्टन है वो अपने आप को कैसे वो हीट गेन जो करेगा वो कैसे करेगा, वो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करेगा. इसीलिए हमने मैंशन भी किया था ये कि जो डी क्यू है इज इक्वल टू नथिंग बट डी ई, इट इज नथिंग बट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो जब इंटरनल एनर्जी होता है तो वो सीधा वो होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ओके. जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में वो हो रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इसीलिए जो डी क्यू है इट इज नथिंग बट डी क्यू वन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी. सो वेयर सी वी इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. नाउ अभी हम क्या करेंगे कि हम वो पिस्टन को अलाउ करेंगे आगे मूव होने का. समझ रहे सिचुएशन. मैं सिर्फ आपको एक ट्राई करता हूँ कि ड्रॉ करके दिखाऊँ थोड़ा सा. सॉरी, जैसे कि ये है पिस्टन ऐसा है. ठीक है. ये पिस्टन है और समझ लीजिए एक यहाँ तक था. ऐसा. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले केस वन है जहाँ जब ये पिस्टन ऐसे मूव नहीं हो रहा, ये पहला केस है. तो तब क्या था, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है कॉन्स्टेंट है. सेकंड केस हम क्या बोल रहे हैं कि अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पिस्टन ऐसे मूव हो रहा है और पिस्टन मूव होकर लेट सपोज आपका पिस्टन कहीं यहाँ पे आ गया, इस वाले पोजीशन पे यहाँ तक आ गया. ठीक है. तब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया आपका. और वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि जो अंदर जो एटम थे वो एक्सपांड हो रहे थे. तो टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर क्या करेंगे, ये वाला पिस्टन को मूव करेंगे. जब प्रेशर वो जो सेम देखो हो क्या रहा है, बेसिकली एक कॉम्पैक्ट सिलेंडर है, उसके अंदर आपने कुछ गैस डाल हुआ है. अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बेसिकली गैस जो एटम्स होंगे उसके वो एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे. अगर वो एक्सपांड कहीं नहीं हो पा रहे तो वो प्रेशराइज करेंगे इसको. करेक्ट. जब प्रेशराइज करेंगे तो इन ऑर्डर टू कीप द सेम प्रेशर मेंटेन तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी एक सरफेस किसी एक तरफ को उसको मूव करना पड़ेगा. ये तीन तो रेड लाइन वाले तो घुमाने वाले नहीं है. ऑनली थिंग विच कैन मूव पिस्टन, तो पिस्टन कैसे शिफ्ट करेंगे और वो यहाँ लेट सपोज यहाँ तक पहुँच गया पिस्टन. तो अंदर क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट प्रेशर पिस्टन ऐसे मूव होता है. ठीक है. जब आपने हीट सप्लाई किया तब तब ये जो चेंज है वो दो चीज़ों की वजह से हो रहा है. एक तो आपका इंटरनल एनर्जी भी हो रहा है और आप वर्क भी कर रहे हो. करेक्ट. सो द डी क्यू टू हियर, ओके, डी क्यू टू हियर विल बी डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन वर्क डन. तो ये जो टोटल वर्क डन है, अब ये क्या हो रहा है, ये जो हीट सप्लाई हो रहा है एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर, क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डी क्यू टू इज इक्वल टू सी पी डी टी है और यहाँ डी क्यू वन इज इक्वल टू सी बी डी टी, यहाँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन कर रहे थे हम, ठीक है। बट डी क्या है हमारा यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन, इट इज समथिंग सी बी डी टी, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर सी बी डी टी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या हो गया आपका सी पी माइनस सी बी डी टी, और डी डब्ल्यू क्या है हमारा यहाँ पे नथिंग बट द पी डी वर्क, ठीक है। सो पी इंटू डी वी, सो सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डी वी। सो अब पी डी मेरा क्या है, PV is equal to, for one mole of gas, it is PV is equal to nRT, n is equal to 1, so PV is equal to RT. So, differentiate kar dono taraf, keeping the constant pressure and R is constant, so P into DV is equal to R into DT. So, mujhe yahan pe P DV is equal to kya mil gaya, RDT. So, DT DT cancel ho jayega, aur kya mujhe mil jayega, CP minus CV is equal to R. Ye jo equation hai, isko kehte hain Mayer's relation. Please remember this equation. ठीक है। जनरली हीट सप्लाई इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड वर्क डन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल, तो अबव इक्वेशन दिस रिलेशन यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पर जूल, सो सीपी माइनस सीडी बाय कैपिटल जे, दैट जे इज नथिंग बट द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। अब ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। वॉट इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फॉर द मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो अलग केस था। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेयर एम नॉट इज द मोलर मास ऑफ द गैस एंड एस पी इज एस पी एंड एस वी कैपिटल एस वी आर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट थी और ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। जो उसमें था वो उसमें मास ऑलरेडी मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे मास मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बस सब्सटीट्यूट करो एम डॉट एस पी एंड एम डॉट एस वी इज इक्वल टू आर बाई जे, उसको उस तरफ लेगा तो आर बाई एम नॉट एक बस टर्म बढ़ जाएगा। वहाँ पे एम नॉट क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है, ठीक है। चलो तो मुझे क्या मिल गया, एस पी माइनस एस वी का रिलेशन। सो इफ यू सी दिस न्यूमेरिकल गिवन द वैल्यू ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपिटल एस पी, देखो इसे बोला ही है क्या बोला, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और वैल्यू भी दी है, ठीक है। सो कैपिटल एस पी एंड कैपिटल एस वी इज गिवन, दैट इज समथिंग बट 3400 एंड 2400 कैलोरी पर के जी पर कैलोरी फॉर द हाइड्रोजन गैस। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जे इफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज 8300 तो उस केसेस में क्या करेंगे हम, बस सीधा इक्वेशन डाल एस पी माइनस एस वी क्या होगा आर बाई एम डॉट जे, मुझे चाहिए जे, तो आर मेरे पास है एम डॉट मेरे पास है, क्यों, क्योंकि उसमें बना हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन में दो एटम्स होते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन एम डॉट इज इक्वल टू टू फॉर एच टू गैस, ठीक है। सो एम डॉट मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का, टू, सो इट इज नथिंग बट जे इज इक्वल टू 8300 बाई टू इंटू 1000, ठीक है। दैट इज नथिंग बट 4.15 जूल पर कैलोरी, ठीक है। सो प्लीज कैलकुलेट करें, बहुत आसान सा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की जगह नॉन मोलर स्पेसिफिक हीट दिया गया था तो आपको ऐसे दिया जाता कि द डिफरेंस बिटवीन, ये नहीं मैंने कर दिया एग्जाम्पल 3.4, द डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 8000 जूल पर के जी केल्विन। If ratio of two specific heat is 1.65, मतलब Cp by Cv दिया है आपको, ठीक है। Calculate the volume of calculate two molar specific heat. Remember यहाँ पे जब भी ratio दिया जाता है specific heat का Cp by Cv के form में ही दिया जाता है। So never get confused between that कि Cp whether it is Cv by Cp or Cp by Cv, ठीक है। So Cp minus Cv is given. So 8000 and Cp by Cv is given 1.65. Now it's simple mathematics you can use to find calculate Cp and Cv. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So अगर मैं monoatomic case की बात करूँ, monoatomic case, so for monoatomic case में क्या होगा, constant temperature को और n numbers of atom को, ठीक है, n numbers of atom को, each atom has three translation, each atom has थ्री ट्रांसलेशन, तो टोटल एवरेज एनर्जी पर एटम इज क्या होता है, एक एटम का कितना होता है 1/2 के बी डी, तो तीन एटम का थ्री ट्रांसलेशन है तो यहाँ पे कितना है 3/2 के बी डी, तो टोटल इंटर एनर्जी पर मोल इज समथिंग बट 3/2
क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पर मोल था, ठीक है, ये पर मोल है, लेकिन टोटल एनर्जी की बात चल रही है. सो एन कैपिटल इज इक्वल टू 3/2 एन ए केवी टी. प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज वेरी यूजफुल इक्वेशन. ठीक है, हम एन नंबर ऑफ आइटम्स की बात, एन ए नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें, इसीलिए वो एन ए मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, 3/2 केवी टी के साथ. चलो, सो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट डी बाई डी टी. प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन. सो सी वी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. अब आप यहाँ ये सेम डिफरेंशिएशन यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, ये तो तीनों कॉन्स्टेंट है 3/2 की एन ए के बी, तो बस उतना ही बचेगा टी टी, डी टी बाई डी टी इज वन. सो 3/2 एन ए के बी, और एन ए के बी क्या है हमारा, कैपिटल आर. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, एन ए के बी इज इक्वल टू कैपिटल आर. वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस वीडियोज. सो सी पी सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर एंड सी पी इज इक्वल टू, अभी देखो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है, तो सी पी आप कैसे निकाल सकते हो, सी वी प्लस आर से. सो 3/2 प्लस वन, सो 3/2 प्लस वन इज 5/2 ऑफ आर. सो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मोनो एटॉमिक केस के लिए रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी दैट इज समवेयर 5/3, 1.4 आता है, 1.44 कुछ. ठीक है, सॉरी 1.41 आएगा. सो गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक केस. वॉट इफ आई हैव डाई एटॉमिक केस, फॉर गैस कंटेनिंग सॉरी फॉर गैस कंसिस्टिंग ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक O2, N2, CO, HCl. ठीक है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, दो नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है. ठीक है, तो दो आइटम है यहाँ पे. ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, इन दैट केसेस नाउ वी हैव थ्री ट्रांसलेशन. डाई एटॉमिक गैस के लिए हमने केस के लिए बात करा था, यहाँ पे इस केस के लिए थ्री क्या होता है, थ्री ट्रांसलेशन और दो रोटेशनल. सो थ्री ट्रांसलेशन एंड टू रोटेशन. सो इन दैट केस वी हैव एनर्जी डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 3/2 एन ए के बी टी प्लस 2 टाइम्स 1/2 एन ए के बी टी. ये कहाँ से आया है, प्लीज रिफर द प्रीवियस वीडियो अगर नहीं समझ में आया है तो. क्यों, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस के लिए एनर्जी कंट्रीब्यूशन फॉर, देखो यहाँ पे अभी तक हमने वाइब्रेशन कंसिडर नहीं किया है. ठीक है, उसके लिए अलग केस है. सो कैपिटल इज इक्वल टू, अब थ्री ट्रांसलेशन की वजह से आ रहा है ये 3/2 एन ए के बी टी, और दो रोटेशन की वजह से आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 1/2 के बी टी, और मल्टीप्लाई हो रहा है एन ए से. ठीक है, सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट, टोटल एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ गैस इज नथिंग बट 5/2 एन ए के बी टी. नाउ सी वी इज अगेन डी बाई डी टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 एन ए के बी, एन ए के बी क्या कैपिटल आर, सेम एज द प्रीवियस. नाउ अगेन सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, सो क्या हम आपको आ जाएगा 7/5. रिमेंबर ये आपको आता है एग्जाम में, डेरिवेशन भी आ सकता है, या तो वन मार्क में आता है कि एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होगा, सी वी क्या होगा, कैपिटल एनर्जी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सिमिलरली मैं अगर डाई एटॉमिक गैस की बात करूँ लेकिन नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर अगर मैं वाइब्रेशन इंक्लूड करूँ तब क्या होगा, दो और वाइब्रेशनल एनर्जी के कंपोनेंट आएंगे. एक पार्टीशन क्या था याद है, सो 1/2 के बी टी और दो बार ऐड करना पड़ेगा, सो 2 टाइम्स 1/2 के बी टी. और यहाँ पे क्या है, फॉर एन नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एन ए एवोगैड्रोस नंबर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सो 7/2 एन ए के बी टी आएगा. के बी टी अगेन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, सॉरी एन ए के बी क्या हो गया, कैपिटल आर, और डी बाई डी टी हो गया आपका क्या हो जाएगा, सी वी. सो सी वी इज नथिंग बट 7/2 आर, और सी पी आर क्या हो जाएगा, 9/2 आर. इसीलिए आपका डाई एटॉमिक गैस कंटेनिंग द रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, तब आपका रेशियो आएगा गामा 9/7. बहुत बार ये तीन में से एक केस एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, चलो अब पॉली एटॉमिक गैस क्या होता है, पॉली एटम मतलब मोर देन टू आइटम्स होंगे, मोनोटिंग एटॉमिक में एक आइटम, डायटॉमिक में दो आइटम, और पॉली एटॉमिक में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सॉरी, जैसे कि अमोनिया गैस बेसिकली. सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ द पॉली एटॉमिक गैस हैज थ्री ट्रांसलेशन ऑफ डिग्री, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओनली लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द रोटेशन. ठीक है, तो तीन ट्रांसलेशन दो रोटेशन. All the other polyatomic molecule can perform rotation about three mutually perpendicular axes through their center of mass. Hence, they have 3 degree of rotation also. समझ लो, बाकी सारे atoms की बात चल रही है यहाँ पे. So, polyatomic molecules have more than 1 degree of freedom for different mode of vibration. ठीक है, so number of degree of freedom, let's say small f, for vibrational motion of
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन हो रहा है तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन कंसिडर करने के लिए. सो ईच सच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट एवरेज 2 × 1/2 केबीटी, जब आप फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो तब. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की जब बात कर रहे हो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जब वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर और जो पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर जो था के आर स्क्वायर, तो उसकी वजह से दो एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इक्विपार्टीशन किया था, इस वजह से 1/2 KBT 1/2 KBT, इसीलिए ये 2 × 1/2 KBT है. 1 K/2 1/2 KBT फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड 1/2 KBT एनर्जी फॉर पोटेंशियल एनर्जी टर्म. नाउ देयरफॉर 1 मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस ऑफ इंटरनल एनर्जी इज, नाउ तीन ट्रांसलेशन की वजह से 3/2 KBT यह आ जाएगा, फिर 3/2 KBT यह आ जाएगा. ये किसकी वजह से आ रहा है, ये रोटेशन की वजह से आ रहा है. अभी हमने तीनों डायरेक्शन में रोटेशन कंसिडर किया, इसीलिए 3 आ रहा है, ठीक है. अब वाइब्रेशन मुझे पता नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसीलिए हमने उसको एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला है. सो एफ इंटू ऑफ वाइब्रेशन कितने टर्म में हो रही है, 2 टर्म में, 1/2 KBT 1/2 KBT, इसीलिए 2/2 KBT. लेट मी रिपीट, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन एंड 2 वाइब्रेशन फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है. सो इफ यू जस्ट अरेंज दिस यू कैन राइट 3 + f (NaKBT). सो इफ यू जस्ट डू द सेम थिंग व्हाट वी डिड बिफोर, नाउ यू विल गेट गामा इज इक्वल टू Cp/Cv 4 + f / 3 + f, ठीक है. सो प्लीज इसको अच्छे से यहाँ तक खत्म करो और ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस.